ठीक है, तो इस चैप्टर में ना अभी जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम कोशिश करेंगे रिवाइज करने की पूरा चैप्टर। मुझे पता नहीं हम लोग कितना चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। बट स्टिल लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन, ठीक है। अब ये चैप्टर जो है अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो तीन टोटल पोर्शंस में डिवाइडेड है। पहला जो आपका कंप्लीटली रिफ्लेक्शन का पोर्शन है, ठीक है। तो आपका पहला पोर्शन क्या है टोटली, एक आपका रिफ्लेक्शन के ऊपर है। रिफ्लेक्शन किस में होता है, मिरर्स में। रिफ्लेक्शन किस में होता है, मिरर्स में। मिरर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, मिरर्स बच्चे हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। वन इज योर सर्कुलर कर्व्ड स्फेरिकल, यस द करेक्ट टर्म इज स्फेरिकल, ठीक है। एंड अदर इज योर प्लेन मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर आपके फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक आपका कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया, और एक आपका कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अगर मैं बोलूं ये कौन सा मिरर है तो बताओ ये कौन सा मिरर है, हाँ कौन सा मिरर है ये डॉली, कॉनकेव तो हो नहीं सकता, ठीक है साजिद, कॉन्वेक्स मिरर है बच्चे, इट्स नॉट इवन अ मिरर, पॉलिश नहीं करी ना, ठीक है। मान लो अगर मैं उधर पॉलिश कर दूं तो कॉनकेव, और अगर इधर पॉलिश कर दूंगी तो कॉन्वेक्स। तो हमारे दिमाग में ऐसा क्या फिट है कि हम इस फिगर को ही बोल देते कि बेटा ये जो आपकी फिगर है ये कॉन्वेक्स है, ऐसा क्या फीडेड है हमारे दिमाग में कि हम इसको देखते के साथ ही बोल देते ये कॉन्वेक्स है, साइड साइड, ठीक है। बाय कन्वेंशन वैसे, अच्छा लाइट हमेशा ऐसा है कि इधर ही से आएगी, आप बोलोगे जी आपकी एकेडमी से तो उधर ही से आती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लाइट कहीं से भी आ सकती है, लेकिन बाय कन्वेंशन हमने अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या करा कि हमने बोला बेटा लाइट इधर से आना है, ठीक है। इधर से आओगे तो माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये लाइट हो गया आपका। अब इसके बाद आता है आपका ये कौन सा मिरर हो गया आपका। आप बस इतना एक बात याद रखना, जो आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये आपके दो टाइप के होते हैं। आप बस ये समझो कि अगर आपने एक स्फीयर को काटा, ये आपके पास स्फीयर था, ठीक है, ऐसे ही आपके पास स्फीयर है ये भी था। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है, आपके पास ये दो हो गए, ठीक है। आपने इसको ऐसे कुछ तरीके से कट किया, ठीक है, और आपने इसको भी कैसे कट किया, इस तरीके से कट किया। कट करने के बाद आपने क्या करा, मान लो ये चीज हट गई, अब ये चीज यहां से हट गई, तो मैं इसे कैसे शो कर रही हूँ, डॉटेड लाइंस के थ्रू शो कर रही हूँ। तो आई एम जस्ट शोइंग दैट दिस पोर्शन ऑफ द मिरर हैज बीन रिमूव्ड, स्फीयर हैज बीन रिमूव्ड, एंड सिमिलरली यू हैव रिमूव्ड फ्रॉम हियर, यहां से भी रिमूव कर दिया बच्चे, राइट, इधर से भी हमने रिमूव कर दिया। एक साइड हमने क्या करा, अंदर वाला हिस्सा पेंट कर दिया। एक साइड हमने कौन सा हिस्सा पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया इनसाइड द स्फेरिकल, और एक साइड हमने कौन सा हिस्सा पेंट किया, आउटसाइड द स्फेरिकल। नाउ अगर हम इधर बात करें बच्चे, अगर मैं इस चीज को यहां से हटा भी दूं, अगर हम इस चीज को यहां से हटा भी दें, यहां से भी मैं इस चीज को हटा भी दूं, तो एक बात तो तय है कि ये जो दोनों ही मिरर्स हैं, ये जो दोनों ही मिरर हैं, चाहे आप इस मिरर की बात करो या फिर इस मिरर की बात करो, है तो पार्ट ऑफ स्फीयर, और अगर पार्ट ऑफ स्फीयर है तो 100% इनमें क्या होगा, एक सेंटर होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन, अ लाइन दैट पासेस थ्रू सेंटर, अ लाइन दैट पासेस थ्रू सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पर कट करती है उसे क्या बोलते हैं हम, पोल, ठीक है। तो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर भी होगी, सेंटर यहाँ पर भी होगा, पोल यहाँ पर भी होगा, ठीक है।
ये क्या है आपका सी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी को हम क्या बोलते हैं, पोल। समझ में आई बात। और ये दोनों जगह सेम है। और ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स। वो कौन सा मिरर है, कॉन्केव। ठीक है, जिसमें पॉलिश अंदर की साइड होती है स्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में, वो कॉन्वेक्स होता है और वो कॉन्केव है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। इज दिस क्लियर, पक्का 100%। ठीक है, अब अगर हम एक मिरर की बात करें तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और होते हैं, वो हमें और देखने हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं इसे रब कर दूं, सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। अगर आप मिरर की बात करोगे जैसे, अच्छा ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लो ये आपका अगर एक प्लेन मिरर का सरफेस है, ये क्या है, प्लेन मिरर का सरफेस है। इसका मान लो हम ये वाला हिस्सा जो है वो पॉलिश कर देते हैं, और ये पॉलिश बहुत ही अच्छी उसकी है क्वालिटी की, तो ये लाइट को इस साइड नहीं आने देती है। ठीक है, अब जो आपने हिस्सा पॉलिश किया, इसके एक तरफ आप क्या ड्रॉ कर दो, नॉर्मल। ये आपने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल आ गया। ठीक है, एक रे आ रही होगी, एक रे आ रही है और एक रे जा रही है। तो जो रे मिरर की तरफ आ रही है, जो रे मिरर की तरफ आ रही है उसे क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। और जो जाती है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो अगर मैं इनका नाम दे दूं ए ओ बी, तो क्या मैं लिख सकती हूँ ए ओ जो है वो इंसिडेंट रे है, ए ओ इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चे, और ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। आई बात समझ में। अगर मैं इसको ओ एम नाम दे दूं तो ओ एम क्या है, ओ एम आपका नॉर्मल है। यहां तक ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आ गई। अब एक बात याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है आपका आई। ठीक है, आई होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आई बात समझ में, इसे बोलते हैं हम, हमेशा याद रखना एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बात भूलना नहीं है, मैं बार बार पूछूंगी अभी आगे आने वाले एक्सरसाइजेस में। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक ये चीज क्लियर है। और बाय लॉ हमें मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये बात भूल तो नहीं जाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर कोई रे मिरर के परपेंडिकुलरली आ रही है, इफ अ रे इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द मिरर, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मल भी वही है, रे भी वही है, तो दो से नॉर्मल भी वही है, रे भी वही है, दोनों के बीच में क्या एंगल है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा। तो क्या आपकी रे जो है ऐसा लगेगा कि यहीं से आई थी और यहीं से चली गई, ऐसा लगेगा। समझ में आई बात, समझ में आई। तो एनी रे विच इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर, ठीक है, इट विल मेक जीरो डिग्री एंगल विद द नॉर्मल, इट विल मेक जीरो डिग्री एंगल विद द नॉर्मल। ठीक है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस उस केस में क्या होगा, जीरो
डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, वॉट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे विच इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर। इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लिखोगे, एनी रे विच इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर विल मेक 0 डिग्री एंगल विद नॉर्मल एंड हेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज विच इंप्लाइज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो विच इंप्लाइज द रे विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर, यहां तक ये बात क्लियर है? Now, rules for making ray diagram. अब यहाँ पर प्लीज ध्यान दो, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम में इन्होंने क्या दे रखा है, ठीक है, चार रूल्स है हमारे पास कॉनकेव मिरर के लिए। ये चार रूल किसके लिए बताऊंगी मैं आपको, कॉनकेव मिरर के लिए, और ये चार रूल किसके लिए बताऊंगी, कॉन्वेक्स के लिए। दोनों चारों के मतलब सिमिलर ही होते हैं, ठीक है, समझ में आई बात? ओके, एनी रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। एनी रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन, पहला रूल, ठीक है। तो आप इधर क्या लिख सकते हो, एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू थ्रू फोकस, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल ये होता है कि अगर रे फोकस से आ रही है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो पहला रूल क्या था, पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी। दूसरा रूल क्या है, फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर सेंटर से आ रही है तो, सेंटर से आ रही है तो जहां से आ रही है वहीं से चली जाएगी, सेंटर से आ रही है तो रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। अब मुझे एक बात बताओ, सेंटर वाली रे रिट्रेस क्यों करती है पाथ, सोच के देखो क्यों करती होगी बच्चे, बहुत सिंपल है इसका आंसर, ठीक है, 90 डिग्री पे बना रही है ना, रे कैसे आ रही है 90 डिग्री पे, और नॉर्मल भी किस पे होता है 90 डिग्री पे, तो रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बना 0, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, समझ में आई बात? तो जो आपकी रे है वो, तो सेंटर वाली रे दोबारा क्यों वापस चली जाती है, क्योंकि ये मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलरली फॉल करती है, ठीक है। अगर आपकी रे किसी एंगल पे बना रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। बच्चे एरो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरो ना बनाने के नंबर कटते हैं, मिरर पे पॉलिश ना करने के भी नंबर कटते हैं, आई बात समझ में? यहां तक ये चीज क्लियर है? अब हम अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें बच्चे, तो सेम रूल है, एनी रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एनी रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। लेकिन बच्चे इधर रे जा नहीं पाती, मिरर को क्रॉस करके क्या रे जा सकती है, नहीं, तो हमें अपीयर होगा कि वो फोकस की तरफ जा रही है और बाद में हम उसके पाथ को ट्रेस बैक कर लेते हैं, आई बात समझ में? तो ये आपका रे इस तरीके से बनेगा। सेम होता है अगर आपकी कोई रे ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है,
तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अगर सेंटर से आ रही है तो, सेंटर से आ रही है तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। और अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये चार रूल कर लोगे, कर लोगे, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। पहला रूल क्या था, एनी रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर रे आपकी फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर सेंटर से आ रही है तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, और अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। यहां तक समझ में आ गई, अब रे डायग्राम्स देखते हैं। बच्चे आप लोगों को आगे ये बात मालूम है, ये आपका कॉनकेव मिरर का डायग्राम है और वो आपका कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम। आपको पता है कोई सी भी रे जो आपकी इन्फिनिटी से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब एक बात और लिख लो, एनी रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, एनी रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इज considered parallel to principal axis। समझ में आई, कोई भी रे जो इन्फिनिटी से आती है हम उसे क्या मानते हैं बच्चे, कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब मान लो इधर कोई रे है जो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या रेज आ रही है इन्फिनिटी से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां से पास करेंगी, फोकस से। फिर एक और रे आ रही है इन्फिनिटी से, कहां से पास करेगी, फोकस से। फिर रे आ रही है, फिर रे आ रही है, तो सारी रेस कहां से पास कर रही हैं, फोकस से पास कर रही हैं। व्हाट विल हैपन इधर अगर आपकी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस की तरफ जाएगा और उसके बाद राइट, फिर पैरेलल आ रहा है फोकस की तरफ जाएगा और फिर पैरेलल आ रहा है फोकस की तरफ जाएगा और फोकस की तरफ जाएगा और आई बात समझ में। दोनों मिरर्स में एक ड्रास्टिक डिफरेंस है, वो क्या है, एक हाँ बोलो चेष्टा, यस, एक केस में पैरेलल रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं और एक केस में पैरेलल रेज जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं। तो बच्चे आपका जो कॉनकेव मिरर है, जो आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसको आप कन्वर्जिंग मिरर बोलते हो, कन्वर्जिंग मिरर। और आप अपने कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हो बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर को आप बोलते हो डाइवर्जिंग मिरर। अब मुझे ये बात बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आ गया, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, ये चीज क्लियर है हमें। चलो भाई आगे देखते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं विच विल फॉर्म रे डायग्राम्स फॉर कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। पहला होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। दूसरा क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड
बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, सी के बियॉन्ड। थर्ड क्या होता है? When the object is at center, when the object is at center, when the object is at center. Chautha, when the object is between C and F. Fir panchwa aa gaya. When the object is at F, और उसके बाद छठा हो क्या होता है आपका? When the object is between P and F. When the object is between P and F, right? भाई समझ में आ गई बात? अब वही दो चीजें लगानी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, चेक कर लो। अच्छा इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो आप जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो सारी रेस कैसी होंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू इंफिनिटी के लिए डॉटेड लाइन फिर रे मिरर के पास आ गई। अब फिर आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है? इंफिनिटी से रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर फोकस, दो रेस काफी हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द लिखने पड़ेंगे हमें, क्या? इमेज के बारे में, किसके बारे में? इमेज के बारे में। इमेज कहाँ पर बनी? इमेज बनी आपकी कहाँ पे? फोकस पे। योर इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कैसी बनी? हाईली डिमिनिश्ड बोले तो बहुत छोटी, रियल है और इन्वर्टेड है। कैसी है? रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि मिरर के कौन सी साइड में बनी है? राइट, लेफ्ट साइड। समझ में आई बात? अब दूसरे पे आ जाते हैं। जब आपका ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, अच्छा ऑब्जेक्ट बना दो ना पहले, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट बनाना है। ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ओ ये तो था ही नहीं ना, ओके यहाँ पे रखना है ना। अरे बहन रुक जाओ, इधर तो आना ही नहीं, अभी नहीं आना है। अभी कहाँ जाना है? नीचे आना है यार। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट बियॉन्ड सी बोले तो इसको ए लेबल कर दो, इसको रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। एरो बनाना भूलना नहीं है, ठीक है? और ना ही मिरर को पॉलिश करना भूलना है। और अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? ओके, इमेज कहां पर बनी? इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज, समझ में आया? इमेज फॉर्म्ड एट बिटवीन कर देती हूँ इसको, ठीक है? बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बनी? डिमिनिश्ड। अच्छा आप ये बात देख सकते हो कि पहले हाईली डिमिनिश्ड बनी थी, अब डिमिनिश्ड बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे ये वाला एरो भी बना दो, ठीक है? अब तो क्लियर है। अब है एट सी। बच्चे बाकी सब में थोड़ा बहुत घपला चल जाता है, थोड़ी इधर बनी थोड़ी उधर बनी, ठीक है? इसमें घपला नहीं चलता, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? सी पर रखा है, और इमेज ने भी कहाँ बनना है? सी पर बनना है। तो आपने इधर ऑब्जेक्ट रख दिया, मुझे मालूम है कि ऑब्जेक्ट कैसा बनना है। पहली बात, जो इमेज का साइज आएगा वो सेम एज ऑब्जेक्ट आएगा,
आपकी इमेज का जो साइज आएगा वो सेम एज ऑब्जेक्ट आएगा, और दूसरी बात सेम जगह पर आएगा। रे लिया पैरेलल ए बी, आपने रे लिया पैरेलल पासेस थ्रू फोकस कर दिया, पैरेलल लिया पासेस थ्रू फोकस कर दिया, फोकस से लिया तो पैरेलल टू थोड़ी सी देर बन गई, थोड़ा दोबारा करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करने वालों की। थोड़ा काम चला ले, ऐसे बना दूं, चल जाएगा थोड़ा सा काम, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इमेज भी कहां पर बनेगी, और कहीं और बना रहे हो तो गलत, कहीं और बना रहे हो तो गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? ये हो गया आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, डिमिनिश्ड है क्या, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड को मैं आर आई लिख रही हूँ, प्लीज एक्सपैंड कर लेना अपनी कॉपी में। फिर क्या है, बिटवीन सी एंड एफ रखा गया है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, बिटवीन सी एंड एफ रखा गया है, ए एंड बी पैरेलल लिया, फोकस एक फोकस से पास किया, फिर फोकस से लिया तो पैरेलल चला गया, ठीक है। ये आपका आ गया बी डैश ए डैश, ये आ गया आपका एस आर ए। आई बात समझ में? अब मुझे ये बताओ, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, डिमिनिश्ड बनी है क्या, कैसी बनी है, एनलार्ज्ड, और कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपका पांचवा केस कौन सा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ पे रख दो भाई ऑब्जेक्ट को, कहाँ रख दो, एफ पे रख दो, प्लीज ध्यान से देखो, पैरेलल गया इधर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा, पैरेलल गया तो फोकस, अब फोकस से तो मैं लेके जा ही नहीं सकती क्योंकि फोकस पे तो ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब अपना तीसरा हथियार चलाएंगे सेंटर वाला, कि जब सेंटर से जाता है तो जाता है और आता है। रेज कैसी है पैरेलल है, रेज कैसी है पैरेलल है, तो आप बोलोगे दीज रेज विल मीट एट इंफिनिटी। आई बात समझ में? तो इमेज कहां पर बनी बच्चे, इमेज बनी आपकी इंफिनिटी पे, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, कैसी बनी, हाईली एनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। पांचवा केस कौन सा बनता है बच्चे आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, एफ पे तो रख दिया ना, ठीक है, पैरेलल गया तो किससे पास करेगा, ठीक है, और अब किससे पास करवा दूं, सेंटर, क्या ये रेस कभी मीट करेंगे इधर, नहीं, ठीक है, तो ये मीट कैसे करेंगे बच्चे, ये मीट करेंगे पीछे, और बच्चे जब पीछे मीट करती हैं तो कौन सी रेस कैसी लाइंस बनाते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट इमेज, ये आपका ए था ये आपका बी था, इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश एंड बी डैश, तो ये क्या बन गया बच्चे आपका, क्या बना, इमेज इज फॉर्म्ड
बिहाइंड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, कैसा बना? एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, और कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब बिहाइंड द मिरर बनता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात समझ में आ गई? पक्का इसको अच्छे से कर लो बच्चे, बढ़िया तरीके से। नाउ रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहला रे डायग्राम तो वही होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, पहला केस सेम ही हो गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, और दूसरा क्या हो जाएगा? When the object is kept in front of mirror। अब ये दो केस बच्चे आप कैसे बताओगे? पहला तो इन्फिनिटी में बता दिया आपने, है ना, ए और बी, जिसमें रेज पैरेलल आएंगी, जाएंगी और फोकस से पास करके डाइवर्ज हो जाएंगी, राइट, और इसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। फिर और रेज जब इंफिनिटी से आती है तो कैसी आती है? टू, और फिर फोकस से जाएंगी और डाइवर्ज कर जाएंगी, ठीक है। तो पहला बन गया। अब इस इमेज के बारे में क्या लिखूं मैं? पहली बात, द इमेज वॉज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। फिर क्या बनेगा बच्चे आपका? द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इज फॉर्म्ड एट फोकस, एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अब उसके बाद इस पे आते हैं। आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ए डाय ए एंड बी, पैरेलल गया तो फोकस से डाइवर्ज, सेंटर से गया तो जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। तो इमेज कहाँ बनेगी? इधर। इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, दैट्स ओके। एंड ये कैसी है? सिर्फ डिमिनिश्ड। आई बात समझ में? यहाँ तक ये चीज क्लियर है? अब आप बोलोगे वर्चुअल और रियल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? प्लेन मिरर आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। आप जब इमेज को किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते तो वो वर्चुअल कहलाती है, और जब आप उसे किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो तो रियल, ठीक है। तो रियल क्या होता है? इमेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज रियल। अ वर्चुअल क्या होता है? इमेजेस दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। अब बच्चे हम एक जनरल एनालिसिस करेंगे कि हमारे जो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर थे, ठीक है, उनकी इमेजेस का जनरल एनालिसिस क्या है, ठीक है। देखिए इसको आगे,
देखो बच्चे, आपके पास मिरर कितने टाइप के थे? तीन। पहला कॉन केव मिरर, फिर कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनवेक्स मिरर और प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेजेस बनाते हैं? ये हमेशा कैसी इमेजेस बनाते हैं? इमेजेस फॉर्म्ड बाय देम आर ऑलवेज वर्चुअल। इसकी भी इमेज कैसी होती है? हमेशा वर्चुअल। प्लेन मिरर की कैसी होती है? वर्चुअल, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, प्लेन मिरर के केस में आपकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है? अच्छा सॉरी, इमेज का साइज कितना होता है? सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेम साइज का बनता है, वर्चुअल बनता है और सेम साइज का बनता है। कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनता है और हमेशा डिमिनिश्ड बनता है। मतलब अगर वर्चुअल और सेम साइज है तो कौन सा मिरर होगा? प्लेन मिरर। और वर्चुअल और डिमिनिश्ड है तो, और अगर वर्चुअल और एनलार्ज्ड है तो, अगर वर्चुअल है प्लस एनलार्ज है तो वो क्या होगा? कॉनकेव मिरर। तो इसका वर्चुअल के साथ एनलार्ज। तो अगर मैं सिर्फ वर्चुअल इमेजेस की बात करूं तो अगर वर्चुअल और एनलार्ज है तो कॉनकेव मिरर, वर्चुअल और डिमिनिश्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर, और अगर सेम साइज का और वर्चुअल है तो प्लेन मिरर, और अगर रियल इमेज बना रहा है तो, रियल बना रहा है तो 100% क्या है? कॉनकेव है, ठीक है। रियल का आपका डिमिनिश्ड भी हो सकता है, सेम साइज भी हो सकता है और एनलार्ज भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? अब बच्चे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। एक क्या होता है आपका? देयर इज अ टर्म मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज बेसिकली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चे ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये चीज समझ में आ गई? हाँ पक्का? इसके बाद आता है आपका साइन कन्वेंशन। क्या आता है? साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन, हम अगर ये मानकर चले कि अगर y एक्सिस पर आपका मिरर रखा हुआ है और x एक्सिस क्या है आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस है। मिरर कोई भी हो सकता है, चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, मिरर कोई भी हो सकता है, ठीक है। ओके, मान लेते हैं कि इधर आपका कौन सा मिरर रखा हुआ है? कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। मान लेते हैं कि कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। समझ में आई बात? ओके, तो वो सारी चीजें जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उन्हें कैसे कंसीडर किया जाएगा? नेगेटिव। जो राइट हैंड साइड है उन्हें कैसे कंसीडर किया जाएगा? नंबर लाइन। ये सिंपली क्या है? नंबर लाइन। लेफ्ट में, राइट में, अप है तो पॉजिटिव, डाउन है तो। यार यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आ गई? ये आपका साइन कन्वेंशन है। अब साइन कन्वेंशन के कुछ और इम्पोर्टेंट अगर आपको बातें समझनी हो तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। प्लीज ध्यान दो इधर। ये समझ में आया? अब चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट is always placed in the left side of
मिरर इन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अपराइट. अच्छा एक और बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं वी यू, यू वी, ठीक है, यू बोलते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यू. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव इरिस्पेक्टिव ऑफ विच मिरर यू आर टेकिंग, विच लेंस यू आर यूजिंग. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज वी. इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव. वी आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. इट विल बी नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस, इट विल बी नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस. अगर कोई आपकी इमेज वर्चुअल है, अगर आपकी इमेज वर्चुअल है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. समझ में आया? ये समझ में आया? ऐसे ही हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज योर एच. ओ बोल सकते हो या फिर सिंपली एच बोल सकते हो. ऑब्जेक्ट को हमेशा अपराइट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी होती है? ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव. इमेज की हाइट को किससे नोट करते हैं? इमेज हाइट इज योर एच आई या फिर एच डैश. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. पॉजिटिव फॉर वर्चुअल, पॉजिटिव फॉर एंड नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस. अब बात करते हैं फोकस की. अब किसकी बात करते हैं? फोकस की. आपका ये कॉनकेव मिरर है जिसमें फोकस इधर होता है, सेंटर इधर होता है. ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें सेंटर इधर होता है, फोकस इधर होता है. इसका फोकस कैसा होगा? नेगेटिव. ठीक है, फोकस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर एंड इट विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर. बच्चे यहां तक ये बात समझ में आई या नहीं आई? साइन कन्वेंशन. ठीक है, समझ में आया? जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है वो हमेशा नेगेटिव, जो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है हमेशा लेफ्ट में बन रहा है नेगेटिव, राइट में बन रहा है अपराइट है तो सीधा है तो, और नीचे है तो नेगेटिव. समझ में आई बात? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब आगे देखो. आपको दो बड़ी अच्छी चीजें बताते हैं. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लस वन मैग्निफिकेशन, प्लस वन मैग्निफिकेशन. प्लस वन मैग्निफिकेशन से आप लोग क्या समझते हो? पहली बात, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इमेज इज, द इमेज इज वर्चुअल. क्योंकि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कब आता है? जब इमेज वर्चुअल होती है, और वर्चुअल है तो ऑब्वियसली इरेक्ट भी होगी.
वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, ठीक है। वन है तो इमेज साइज, इमेज साइज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और फिर आप क्या बोलोगे बच्चे, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल आ गया। और ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। तो अगर आपको प्लस वन मैग्निफिकेशन का मतलब पूछा जाए तो आप इतनी बातें बता सकते हो, ठीक है। अब ट्राई करना खुद से माइनस वन मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होगा, ठीक है, ये खुद से करना है। मिरर बता दो इसका कौन सा होगा, माइनस वन कॉनकेव मिरर सेंटर पे। आगे आपका मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है भाई आपका, वन अपॉन वी, ठीक है, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ठीक है। ये आपका मिरर फॉर्मूला है जहां पर v क्या होता है बच्चे आपका, हाँ, इमेज डिस्टेंस, फिर आपका u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर आपका f क्या होता है बच्चे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और तरीका होता है मैग्निफिकेशन निकालने का, एक तरीका और होता है और वो होता है माइनस वी अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। साइन कन्वेंशन कंप्लीटली फॉलो करोगे जैसे मैंने आपको सिखाए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपवर्ड डाउनवर्ड, समझ में आई बात। चलो अभी क्या रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चे आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्या है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। एक्चुअली लाइट की स्पीड हर मीडियम में सेम नहीं होती, ठीक है, हर मीडियम में सेम नहीं होती। कुछ केसेस में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, कुछ केसेस में लाइट की स्पीड कम होती है। सबसे ज्यादा लाइट स्पीड कहां पर है, वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद वो किसी भी मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट यूज टू चेंज इट्स पाथ, it will change its path and that phenomena is known as refraction, ठीक है। अब मान लो, अब होता क्या है बच्चे, एक होता है refractive, एक आप ये भी कह सकते हो bending of light, what is refraction, bending of light when it moves from one medium to other, from one medium to other। तो जब लाइट बेंड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं। अब कैसे लाइट बेंड होती है, ठीक है, देखो एक चीज होती है आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। एक चीज क्या होती है आपकी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रेक्टिव, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चे? द एक्सटेंट बाय विच लाइट विल बेंड व्हेन इट विल मूव फ्रॉम वैक्यूम टू द मीडियम। जैसे लाइट से एंटर करने के बाद, वैक्यूम से आते हुए जब ये एयर में एंटर करता है तो बेंड करेगा। लाइट में स्पीड मैक्सिमम होता है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है और वैक्यूम में कितना है, उसे बोलते हैं हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। सबसे कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका होता है? एयर का। कम किसका होता है? एयर का। और सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका होता है बच्चे? सबसे कम एयर, सबसे ज्यादा डायमंड। सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड। डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चे? 2.42। इतना और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बच्चे कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, इट इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, सो ऐसा यूनिट विल गेट कैंसल्ड आउट। यहां पर ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई समझ में? डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, एयर का कम होता है। समझ में आई बात? और जब हम किसी का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड बहुत कम है तो वो ऑप्टिकली डेंसर होता है, और अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो ऑप्टिकली रेयर। ठीक है, एक क्या होता है बच्चे आपका? देयर इज वन थिंग नोन एज ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और एक क्या होता है बच्चे आपका? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इट इज रेयरर मीडियम। व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, when the speed of light is high bolenge, more bol dete hain, theek hai, when the speed of light is more it will be rarer medium, and if the speed of light is, when the speed of light is लेस देन रेयरर मीडियम। ठीक है, समझ में आया? एक होता है, हाँ, डेंसर मीडियम वो होता ही इसलिए क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आई बात ये वाली? ठीक है, अब क्या होगा अगर कोई कभी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा या फिर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, आपको डेंसर और रेयरर समझ में आ गया? हाँ भाई, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, पहला केस हम लेते हैं व्हेन द लाइट मूव्स। फर्स्ट केस व्हेन लाइट moves from rarer to denser medium। और दूसरा क्या है बच्चे आपका? when the light moves denser to मीडियम। आई बात समझ में?
हाँ यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है, अब इधर ध्यान दो। मान लो ये आपका मीडियम है, ठीक है, आपने इधर नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल बना लिया, ठीक है। आपको रेयरर से डेंसर में लेके जाना है। ये क्या है? रेयरर से डेंसर मीडिया है, रेयरर से डेंसर मीडिया है। लाइट ऐसे आई, इंसिडेंट रे है। आइडियली लाइट को कैसे मूव करना चाहिए? आइडियली लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए, आइडियली लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए, ठीक है। बट अब इधर इसकी स्पीड कम हो गई है, अब डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम हो गई है, तो छोटा पाथ लेना चाहेगा या बड़ा पाथ? छोटा। अब मुझे बताओ, ये वाला छोटा पाथ है या फिर ये छोटा पाथ है? ये वाला छोटा पाथ है। तो व्हेनेवर अ लाइट, व्हेनेवर अ लाइट, ठीक है, व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो व्हेन लाइट मूव फ्रॉम रेयरर, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। यहां पर क्या होगा बच्चे? यहां पर आपके पास होगा कि आपका सेम चीज ऐसा ही है, ये आपका डेंसर मीडिया है और ये आपका रेयरर मीडिया है। दिस इज योर नॉर्मल, लाइट आपकी ऐसे आई, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो आप कैसे जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस, ठीक है। सो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर रेयरर टू डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर है तो अवे फ्रॉम द। सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका है? डायमंड का। और सबसे कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका है? एयर। और वैक्यूम का तो एकदम वन ही होगा। एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.0003। ये बात समझ में आ गई?